हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये एक ऐसा यूजफुल आइडिया, जिससे कि आप इस तरह के पुराने सोफे के कवर का रियूज करके बहुत सारी चीज़ें घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इन पुराने सोफे के कवर का रियूज करके बनाने वाले हैं कारपेट। तो आप किसी भी साइज की कारपेट, डोरमेट, चटाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट की जो कारपेट होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं और उनको आप घर में वॉश भी नहीं कर सकते। तो ये 100% वॉशेबल है, आप इसको हैंड वॉश मशीन वॉश कर सकते हैं। तो चलिए फिर कारपेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये 2 पीस हमने ले लिए हैं। तो अभी जितने भी इनमें धागे निकले हुए हैं उन धागों को हम कट कर देंगे, ताकि हमारी जो कारपेट है वो फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये धागे निकले हुए हैं, इन सब को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो जो धागे निकले हुए थे उनको हमने कट कर दिया है और कुछ इस तरह के पीस हमारे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड, जितनी भी साइज की आपको कारपेट या फिर डोरमेट बनाना है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पीस कट करना है। तो हमें बिग साइज जो है कारपेट बनानी है, तो हम पूरी दोनों पीसेस की लेंथ ले लेंगे, कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोनों पीसेस को बराबर करके रख लेंगे। अभी हम बीच में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों पीसेस को बराबर करके रख लेंगे पहले, और सीधे इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अभी इस पीस को इस तरह से खोल लेंगे। तो अभी हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है, ताकि हमारा जो पीस है वो बीच में से उठा उठा ना दिखे। तो फिनिशिंग के साथ हमें कारपेट बना के तैयार करनी है। तो इस तरह से टॉप स्टिच हमने इसमें बीच में लगा ली है। तो अभी ये पीस हमारा तैयार हो गया है। इसको अभी हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। और ये हमने एक जो है पीस लिया है, तो इसको अभी हम खोल के रख लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग के लिए पीस लिया है, इस तरह से इसको रख लिया है। अभी जो मेन पीस है उसको हम लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रख लेंगे बराबर करके। तो अच्छे से हमने इसको रख लिया है। और अभी हमें तकरीबन 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इसी के शेप में जो है कटिंग करनी है लाइनिंग की। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें कटिंग कर लेंगे, और एक लाइनिंग का पीस हमें तैयार करना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, तकरीबन हम 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो लाइनिंग भी हमने कट कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लाइनिंग को लिया है, ताकि हम इस तरह से अंदर की साइड इसको फोल्ड कर सकें। तो इस तरह से हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। हम इसमें सुई और धागे की मदद से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सुई और धागा लिया है। इसको क्या करेंगे, लाइनिंग को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, जो हमारा मेन पीस है, और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से लाइनिंग को हम मेन पीस के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से बस पूरे पीस को हमें तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी लैस है तो आप उसको भी इसमें अटैच कर सकते हो। इस तरह से किनारे किनारे पे अगर आप लैस अटैच करोगे तो इसका जो लुक है और भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम इस पूरे पीस को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बैक साइड भी इसमें कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। तो बस इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे हम लाइनिंग को, और इस तरह से छोटे छोटे टक लगाते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो बस इसी तरह से हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, जिस तरह से हमने इसमें पुराने सोफे के कवर का यूज किया है, अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो आप उसको 2 फोल्ड करके उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। उसमें आप नीचे लाइनिंग अटैच कर लीजिएगा, जिस तरह की हमने इसमें लाइनिंग कट की है।
और इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आप जो है किसी भी साइज की कारपेट चटाई घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इससे आपकी पुरानी बेडशीट भी काम आ जाएगी। तो इस तरह से आप घर में किसी भी साइज की डोरमेट कारपेट चटाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम अंदर की साइड जो है लाइनिंग को फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह से इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बस पूरे पीस में हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अभी हम धागे को कट कर देंगे। तो बस इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने पूरे पीस में सिलाई लगा ली है। तो बैक साइड भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें फिनिशिंग आई है और फ्रंट साइड भी। तो आप देख सकते हैं कितनी थिक ये हमारी कारपेट बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज की कारपेट डोरमेट चटाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसे हमारी चटाई बनके तैयार हो गई है। इसको बनाने में हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप पुराने सोफे के कवर का इस्तेमाल करके चटाई कारपेट मैट बना के तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट में मिलने वाली कारपेट मैट जो है जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके जो है धागे निकल जाते हैं, कहीं से वो फट जाती है। तो इस तरह से आप घर में ही कारपेट मैट बना के तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट से ना खरीद कर आप इस तरह के कारपेट डोरमेट मैट चटाई जो है घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। और इस तरह से आपके पुराने सोफे के कवर भी काम आ जाएंगे और प्यार इसी आपकी जो है चटाई कारपेट घर में ही बनके तैयार भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पुराने सोफे के कवर को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।